तो भाई कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने अपने i3 प्रोसेसर वाले 8 साल पुराने लैपटॉप में GTA 4 इंस्टॉल की थी। तो भाई GTA 4 जो मैंने इंस्टॉल की, भाई चलाते ही भाई बहुत ही गंदे तरीके से गेम चल रही थी, काफ़ी लैग वैग कर रही थी, FPS कम थे और रेजोल्यूशन भी काफ़ी कम था। लेकिन भाई उसके बाद जैसा कि उस वीडियो में मैंने दिखाया है, बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस की मैंने उस गेम के लिए विंडोज़ के अंदर। तो विंडोज़ 10 पूरी ऑप्टिमाइज़ कर देने के बाद भाई, सभी सेटिंग्स को अच्छे से कर देने के बाद भाई गेम काफ़ी स्मूथ चल रही थी। तो भाई यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसा उस वीडियो में हुआ, मेरे लैपटॉप के लिए GTA 4 को हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट था भाई। लेकिन भाई आज की वीडियो में हम कुछ स्ट्रीम करने वाले हैं, क्योंकि भाई GTA 4 चलाने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं GTA 5 को इंस्टॉल करूंगा तो क्या होगा। एक तरफ है GTA 4 जो कि बहुत ही अनऑप्टिमाइज्ड है, दूसरी तरफ है GTA 5 जो कि हाईली बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड गेम है भाई विंडोज के लिए। तो भाई मैंने सोचा कि क्या होगा अगर हम GTA 5 को इंस्टॉल करें। तो भाई उसके बाद मैंने क्या किया, डाउनलोड किया GTA 5 का सेटअप। तो भाई आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो वीडियो पूरी देखना। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको अपने लैपटॉप के स्पेक्स बता देता हूं। मेरे लैपटॉप में एक i3 4th जेन प्रोसेसर 1.6 GHz वाला 4-कोर प्रोसेसर है ये, और भाई ग्राफिक्स कार्ड है 2GB का NVIDIA GeForce 820M और काफी पुराना और एंट्री लेवल ग्राफिक्स कार्ड है ये। आप समझो मत कि बहुत तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है, आप सर्च कर सकते हो, एंट्री लेवल है और गेमिंग के लिए तो ये बना ही नहीं है। समझ चुके होगे आप मेरी बात। तो भाई मेरे लैपटॉप में 4GB DDR3 रैम और उसके बाद एक 512GB की हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ही है ठीक है, SSD कोई नहीं है, क्योंकि 2014 का लैपटॉप है और तब SSD का इतना मतलब क्रेज नहीं था। तो आप मेरी बात समझ चुके होगे कि काफी बेस लाइन और आजकल तो ये मिड एंड भी नहीं है स्पेक्स, ये लो एंड स्पेक्स हैं, आप मेरी बात समझ चुके होगे। तो भाई GTA 5 डाउनलोड करते टाइम मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि i3 प्रोसेसर जो है वो GTA 5 की मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे आता है और शायद ये लैपटॉप इस गेम को रन ना कर पाए। तो ये तो भाई एक क्वेश्चन था ही मेरे दिमाग में। तो मैंने सोचा कि भाई क्या ही करना, अभी देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया और गेम का सेटअप डाउनलोड किया और गेम को इंस्टॉल कर दिया। भाई 3.5 घंटे लग गए इंस्टॉलेशन में, मैंने प्लग इन किया था और भाई बैटरी मैंने निकाल दी थी, तो 3.5 घंटे तक भाई पूरा हीट हो चुका था लैपटॉप और फाइनली भाई गेम इंस्टॉल हो गई। तो भाई गेम तो इंस्टॉल हो चुकी थी और मैंने सोचा कि खोलते हैं गेम और खेलने की कोशिश करते हैं। तो भाई गेम मैंने स्टार्ट की, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो भाई जैसे ही मैंने गेम स्टार्ट की थी ना, तो भाई गेम तो चल रही थी। तो भाई जब मैंने गेम को खेला, भाई काफी मतलब नॉर्मल ग्राफिक्स थे, सभी ग्राफिक्स नॉर्मल पे थे, तो भाई नॉर्मल ग्राफिक्स पे गेम चल रही थी। लेकिन भाई जब मैंने किसी भी कार को उठाया ना, मतलब कार मैंने सोचा कि उठाते हैं कोई और कार को चलाने की कोशिश करते हैं, तो भाई ड्राइविंग के टाइम पर काफी शटरिंग हो रही थी और शटरिंग भी थोड़ी मतलब अभी तो जब मैंने स्टार्ट की थी गेम तब तो ठीक ठाक चल रहा था, शटरिंग होनी शुरू हो गई थोड़े टाइम बाद। और भाई मतलब 15 मिनट बाद अप्रोक्सीमेटली भाई जो FPS थे वो 6 से 11 के बीच में चले गए। ठीक है भाई 6 से 11 FPS आ रहे थे और भाई गेम बहुत ज्यादा शटर कर रही थी और मेरे लैपटॉप का टेम्परेचर 80 डिग्री पार हो चुका था और भाई 80 डिग्री पे गेमिंग करना इम्पॉसिबल है कुछ ऐसे लैपटॉप के अंदर। फिर मैंने 3-4 दिन तक इस गेम को टेस्ट किया और इन गेम सेटिंग्स को टेस्ट किया कि कैसी चल रही है। अगर मैं इन गेम सेटिंग्स को ही सिर्फ चेंज करूं और टेस्ट करूं इस गेम को, तो भाई इन गेम सेटिंग्स से बात नहीं बन रही थी। तो भाई इसके बाद मुझे कुछ तो ऑप्टिमाइजेशंस करनी पड़ेंगी भाई, मुझे पता चल चुका था। तो भाई अपने लैपटॉप में GTA 5 चलाने के लिए मैंने काफी ज्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की थी, जिनके बारे में अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो भाई सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप की जो बैटरी है उसे रिमूव कर देना है, उसके बाद आपको अपना लैपटॉप प्लग इन कर देना है और पावर ऑन कर देना है, जिसके साथ आपका लैपटॉप डायरेक्ट पावर पर चलेगा और आपके जो भी कंपोनेंट्स हैं ना लैपटॉप के, CPU GPU, उनको अच्छी पावर मिलेगी और परफॉर्मेंस बूस्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद भाई मैं चाहता था कि जो मेरा लैपटॉप है वो मतलब जो मेरे टेबल की सर्फेस है उसे थोड़ा सा उठा हुआ हो, जिसके साथ एयर इनटेक अच्छी हो जाती है। तो मैंने कुछ यहाँ पर पीसीज लिए, यहाँ पर डबल साइडेड टेप मैं यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली मैं चिपकाऊंगा नहीं लेकिन यहाँ पर सिर्फ रख रहा हूँ, जिसके साथ मुझे थोड़ी सी स्पेस मिलेगी अपने लैपटॉप के नीचे, जिसके साथ एयर इनटेक अच्छी हो जाएगी। उसके बाद भाई मैं आपको एक हैक बताता हूँ जिसके साथ मेरा लैपटॉप थोड़ा कूल रहता है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक हैंकरचीफ को यहाँ पर थोड़ा सा गीला करके ना अपने लैपटॉप के जहाँ पर GPU और CPU होता है उसके नीचे रख देता हूँ, जिसके साथ भाई जब भी GPU और CPU थोड़ा गर्म होता है तो नीचे से प्लास्टिक भी गर्म हो जाती है। उसके बाद भाई जो हैंकरचिफ के अंदर वाटर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इससे मुझे काफ़ी फायदा होता है, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। लेकिन भाई आपको मैं ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि भाई ये काफ़ी रिस्की हो सकता है और आपके PC कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं वाटर की वजह से।
तो भाई मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में जो मैंने इस वाली गेम के लिए की थी। सबसे पहले तो मैंने अपने सारे ड्राइवर्स अपडेट किए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने सीपीयू में कुछ एडजस्टमेंट्स की। तो भाई यहाँ पर मैंने एक चीज सोची है कि मैं अपने चैनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूं ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। तो भाई अगर आप ऐसा चाहते हो तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि भाई जैसे मेरे 200 फॉलोअर्स कंप्लीट होंगे ना तो मैं यहाँ पर ये वाली वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप जाके फॉलो करो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भाई अगर मन करे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, मतलब वैसे ही साइड नोट पे मैंने सोचा बता देता हूं। तो भाई सभी ऑप्टिमाइजेशंस कंप्लीट कर लेने के बाद का गेम प्ले अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो भाई एंजॉय करो गेम प्ले। तो भाई जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो काफी स्मूथ गेम चल रही है, और भाई फाइनली मैं अपने लैपटॉप के ऊपर GTA 5 खेल पा रहा हूँ, जो कि काफी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बात है मेरे लिए। तो भाई कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना जाके। और भाई एक चीज मतलब भूल रहे हो आप, लाइक नहीं किया भाई वीडियो को आपने। अगर पहले कर दिया था तो अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी है तभी करना ठीक है, नहीं तो कमेंट्स में अपने रिव्यूज जरूर देके जाना, कैसी लगी ये वीडियो बता देना। तो अभी मैं चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।